हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो टैली प्राइम का है और टैली प्राइम में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम गोल्ड की एंट्री पास कर सकते हैं। अगर आपको सोना खरीदना है, अगर आप किसी सोने की दुकान पे जाते हैं बड़ी दुकान पर, तो वहां पर जो आपको बिल मिलता है उसमें क्या लगाया जाएगा, एक्साइज लगेगा, वैट लगेगा, जीएसटी लगेगा, क्या लगेगा और कितना लगेगा। तो चलिए आइए इसी को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले परचेज वाउचर में हम हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है। ठीक है, सारी चीजें एक्टिवेट होनी चाहिए पहले से। ठीक है, एंटर प्रेस किया, 2 मई के डेट में हम कर रहे हैं परचेजिंग। अब यहां पर जो है क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर यहां पे कर देता हूं प्रिया सिंह। ये मान लीजिए क्रेडिटर पार्टी है हमारी, और यहां पर सी लिख देता हूं ताकि ये पता चलता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी है, और ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। तो एस प्रेस करेंगे, और एस प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर आपको दिखाई पड़ेगा। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करते हुए इसे करा लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये वैट की डिटेल आ रही है, वैट भी हमने चालू रखा है, तो वैट को पहले ऑफ कर लेते हैं। F11 प्रेस करते हैं, और यहाँ से जीएसटी ही चालू रहेगा, बाकी वैट वगैरह तो ऑफ रहेगा। तो यहाँ जीएसटी चालू कर देते हैं, बाकी सारी चीजें ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ जीएसटी आई नंबर आएगा, तो वो चीज यहाँ पे डाल दीजिए, जीएसटी आई नंबर डाल दिया। टैली इसको वेरीफाई करेगा, और ईवे बिल को नो रखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे। और चूंकि हम गोल्ड परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ गोल्ड और गोल्ड का जो HSN कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये HSN कोड हमने डाल दिया, ये डमी HSN कोड है, आप गोल्ड का HSN कोड देख लीजिए कि क्या है, उस हिसाब से डालिए। ठीक है, और गोल्ड पर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगाया, केवल 3% का टैक्स लगाया। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में हम क्या रखेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स में हम रखेंगे 3, तो 3.5% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा सेंट्रल और स्टेट में। तो बस हो गया ये, एंटर प्रेस कीजिए, इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। बाकी सारी चीजों को ऑफ करना है हमें। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले वैट को ऑफ कर देता हूं, और ये यहां पे देखिए इसको भी ऑफ कर देता हूं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं, ये हो गया हमारा काम। अब यहां पर आएंगे, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहां पर आ गए। अब यहां पर परचेज अकाउंट आ गया। यहां पर गोल्ड की बात करेंगे, तो देखिए यहां पे गोल्ड का कोई भी जो स्टॉक आइटम है वो मौजूद नहीं है, तो यहां पे गोल्ड लिखा हमने, और 18 कैरेट में हम गोल्ड ले रहे हैं, तो 18C लिख देता हूं कैरेट। ठीक है, एंटर प्रेस किया, यहां पर आए। अब यहां पे हमको बनाना पड़ेगा ना, गोल्ड तो ग्राम में बिकेगा, तो यहां जीएम लिखता हूं और यहां पे लिख देता हूं ग्राम। एंटर प्रेस किया, और यहां पे जी प्रेस करता हूं, तो यहां पे ग्राम आ जाना चाहिए। तो यहां पे देख सकते हैं ये ग्राम आ रहा है, तो GMS इसको सिलेक्शन में लीजिए, और यहां पे 3 कर देता हूं। एंटर प्रेस करता हूं ताकि डेसिमल में भी ये वैल्यूज ले सके। और अब मान लीजिए कि 10 ग्राम गोल्ड आपने परचेस किया, और 10 ग्राम की कीमत रही 44,000 रुपये। ठीक है, कितनी रही, 44,000। एंटर प्रेस किया, और यहां पर आए। अब यहां पर क्या वैट लगेगा गोल्ड परचेस करने पे, क्या एक्साइज लगेगा, क्या लगेगा, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, आर के साथ सी प्रेस करते हैं, और यहां पे बना लेते हैं लेजर। यहां पर और कुछ नहीं लगेगा, सीजीएसटी लगेगा। ठीक है, लगाया सीजीएसटी, और यहां पर आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो सीजीएसटी का तो ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही होता है, ये तो पता ही है, तो ये कर लिया हमने। और ये जीएसटी ही है, सेंट्रल टैक्स है। यहां पर आएंगे, यहां पे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, यहां पे 3 कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और यहां पे एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं 3% जो 44,000 का हमने सामान खरीदा उस पर 6,600 रुपए जो है सीजीएसटी लग गया। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि 1.5% के हिसाब से लगेगा। ठीक है, अभी इसको देखते हैं हम। अब एसजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, एसजीएसटी। ठीक है, तो ये जीएसटी ही है, और ये स्टेट टैक्स, और यहां पे नॉर्मल राउंडिंग, और यहां पे 3 कर लिया, और यहां पर इस तरीके से ये 6,600 आ गया। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जब इसका बिलिंग करना होगा, तो यहां पर ये है। ठीक है, और यहां अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, और एंटर प्रेस कीजिए, और फिर एक बार इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, और ये इस तरीके से गोल्ड का पूरा डिटेल यहाँ पे पड़ा हुआ है।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये गोल्ड की परचेसिंग हम करते हैं और कितना कितना टैक्स लगता है। एक बार चलिए चेक कर लेते हैं कि हमने कितना परसेंट बाय डिफॉल्ट टैक्स लगाया है। F11 की प्रेस करता हूं, यहां पे आ जाता हूं, Y प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे Y प्रेस कर देता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं कुल मिला के 3% टैक्स लगा है, 1.5% के हिसाब से ये डिवाइडेड है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं हुई, एवरीथिंग इज राइट नाउ। तो अभी सब कुछ सही है, तो इस तरह से आप एंट्री पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे चल करके और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।